बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और सख्त हो गई है। जहां गोपालगंज समेत कई जिलों में दिग्गज अधिकारियों के नेतृत्व में जेलों में छापेमारी की गई, वहीं छपरा के मंडल कारा में सुबह से ही जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान जेल के सभी वार्डों की गहन तलाशी ली गई। सुबह अचानक कई थानों की पुलिस SDM और DSP के नेतृत्व में छपरा मंडल कारा पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों ने एक एक करके सभी वार्डों को पूरी तरह से खंगाल डाला। अचानक हुई इस छापेमारी अभियान से जेल के भीतर कैदियों में हड़कंप मच गया और वह पूरी तरह से सकते में थे। हालांकि इस छापेमारी में कोई विशेष आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन बिहार सरकार के आदेश के तहत इस तरह की छापेमारी अभियान चलाया गया है। गौरतलब है कि 15 दिन के अंदर यह दूसरी बार जेल में छापेमारी हुई है। इसके पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी, लेकिन उसमें भी कोई विशेष चीज बरामद नहीं हुई थी। घंटों चली छापेमारी में इस बार पुलिस प्रशासन के हाथ कुछ खास नहीं लगा। केवल 450 ग्राम गांजा और एक मोबाइल के साथ एक सीजर जब्त किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए SDM सदर अरुण कुमार ने बताया कि एक रूटीन छापेमारी है और आज सरकार के आदेश के तहत यह छापेमारी अभियान चलाया गया है। ये मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुआ था, SP साहब का आदेश हुआ कि इसमें छापेमारी करना है, SDPO और SDO को संयुक्त रूप से। तो छापेमारी की गई है जिसमें एक मोबाइल बरामद हुआ है, कुछ 40 ग्राम 50 ग्राम के आसपास गांजा बरामद हुआ है, जो चुनौती है सीजर है कैंची। और ये सामान्य प्रक्रिया है जो हमेशा चलता रहता है। विभाग से प्राप्त होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शन प्राप्त होता है, डायरेक्शन प्राप्त होता है। गौरतलब है कि होली को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है और होली में किसी भी तरह के अनहोनी न हो जाए उसको लेकर पुलिस और प्रशासन काफी चौकस है, जिसको लेकर सभी तरह के अपराध पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि होली के त्योहार में किसी को कोई परेशानी नहीं हो। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।